Good morning all of you. Hope you all are fine at home. As you know, in previous video we have started our 9th chapter and we have completed our exercise 9.1. Today we will do exercise 9.2. First sum is total number of animals in 5 villages are as follows. Village A 80, so village B 120, village C 90, village D 40 and village E 60. Prepare a pictograph of these animals using one symbol this to represent 10 animals and answer the following question. इसमें क्या बोल रहा है, हमें 5 villages के बारे में बताया है कि विलेज ए में 80 एनिमल्स हैं, विलेज बी में 120 एनिमल्स हैं और बताया है कि ये जो वन सिंबल इन्होंने यूज़ किया है ये 10 एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है. हमें क्या करना है, एक पिक्टोग्राफ बनाना है और जो क्वेश्चंस हमें से पूछे गए हैं हमने क्या करना है, उनका आंसर्स करना है. तो राजा मैंने आपको पिक्टोग्राफ बताया था. पिक्टोग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू द पिक्चर्स. क्या होता है पिक्टोग्राफ में, हमें जो डाटा गिवन होता है वो हम इंफॉर्मेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स. ठीक है, तो देखिए हम क्या कैसे राइट करेंगे इसे. रजे फर्स्टली वी विल मेंशन सिंबल दिस रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स. ओके, तो विलेज ए में कितने एनिमल्स थे रजे, 80. तो हम पहले क्या एक बॉक्स बनाएंगे इसे टेबल के फॉर्म में, यहाँ राइट करेंगे विलेजेस और यहाँ क्या राइट करेंगे एनिमल्स. विलेज कितने हैं राजे, 5 विलेजेस हैं ए बी सी डी एंड ई. तो विलेज ए में 80 हैं, तो 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80. क्लियर. नेक्स्ट देखिए राजे, विलेज बी में 120 हैं, तो 12 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. आपने यही सिंबल यूज़ करना है. अगर आपको वो सिंबल मेंशन है आपके क्वेश्चन में कि आपने ये सिंबल यूज़ करना है, फिर तो आपने वही सिंबल यूज़ करना है. अगर आपके समय मेंशन नहीं है तो आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो. क्लियर. सी में देखिए रजे, सी में है 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे 90 एनिमल्स को. डी में रजे 40 हैं और ई में रजे क्या हैं, 60 हैं. क्लियर. आपने क्या करना है, ऐसे पिक्टोग्राफ बना देना है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई. ई में कितने थे रजे, 6. कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं विलेज ई के एनिमल्स को, 1 2 3 4 5 एंड 6. क्लियर. विच एनिमल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एनिमल्स, मीन्स किस विलेज में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स हैं. विलेज बी में 120 थे राजे, हमने 12 फिगर्स शो किए थे, तो हम क्या राइट करेंगे विलेज बी. विच विलेज हैज़ मोर एनिमल, विलेज ए और सी. विलेज ए में ज़्यादा एनिमल्स हैं या विलेज सी में, विलेज सी में हैं, तो हम क्या राइट करेंगे विलेज सी. क्लियर. ये था हमारा फर्स्ट सम. सेकेंड सम में क्या है राजे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल डिफरेंट ईयर्स इन द शोन इन द फॉलोइंग टेबल. एक टेबल में हमें स्टूडेंट्स के बारे में बताया है कि 1996 में 400 स्टूडेंट थे, 98 में 535 हो गए, 2000 में 472 हो गए, 2002 में 600 एंड 2004 में 623. फिर बोल रहा है प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ, हमें एक पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करना है ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग वन सिंबल. अब इसमें भी हमें सिंबल मेंशन है, तो राजे हम वही सिंबल यूज़ करेंगे. दिस सिंबल रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स, और जो जिस सिंबल है ये 100 स्टूडेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. और हमें पहले पिक्टोग्राफ बनाना है, देन हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने. तो इसे भी हम क्या राजे राइट करेंगे, वन दिस सिंबल रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट. इसे भी हम एक टेबल के फॉर्म में बनाएंगे राजे. लेफ्ट हैंड साइड हम ईयर्स राइट करेंगे एंड राइट हैंड साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट. ध्यान से देखना राजे, 96 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 400. तो हम यहाँ 4 सिंबल्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वन जो सिंबल है वो 100 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ राइट करेंगे 4. 98 में राजे वो है 535 राजे, मतलब 5 तो कंप्लीट सिंबल ड्रॉन होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, बट जो 6 का होगा ना वो सिर्फ 35, मीन्स उसका कुछ पार्ट है, तो हम इसे छोटा सा ही ड्रॉ करेंगे, पूरा कंप्लीट ड्रॉ नहीं करेंगे. अगर ये 600 होता तो ये पूरा 6 कंप्लीट हो जाता, बट ये नहीं है ना, 535 है, तो जो हम 6 वाला सिंबल यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे. क्लियर. और ये अंडरस्टूड होता है. 2000 में राजे हैं 472, मीन्स 400 कंप्लीट और जो 72 मीन्स थोड़ा सा कम. ठीक है, 2002 में है राजे 600 सिंबल कंप्लीट हो जाएंगे,
2004 में 623 मीन्स 6 जो कंप्लीट वही 35 वाला केस और यहाँ क्या है 23 मीन्स हम ये भी थोड़ा सा ही ड्रॉ करेंगे। तो ये बोल रहा है हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ईयर 2002 में कितने जो सिंबल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टूडेंट्स को 2002 में कितने सिंबल्स हैं राजा 1, 2, 3, 4 and 6 2002 में 6 जो सिंबल्स हैं वो यूज हो रहे हैं। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998 कह रहा है कि 1998 में कितने सिंबल्स यूज हो रहे हैं स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 1998 में। देखिए रजे 1, 2, 3, 4 and 5 मीन्स 5 तो कंप्लीट एंड 1 अनकम्प्लीट तो हम क्या राइट करेंगे 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट। क्लियर। अभी क्या बोल रहा है कि हमने इसी का पिक्टोग्राफ बनाना है यूजिंग अदर सिंबल एक और सिंबल से बनाना है रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स मीन्स जो हम वो सिंबल यूज़ करेंगे ना राजे वो क्या होगा 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो दिस सम यू विल डू योरसेल्फ। मैंने एक स्माइली यूज़ की है आप एक स्माइली यूज़ कर सकते हैं या कोई और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखना पहले तो था वन सिंबल रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट बट इसमें क्या बोल रहा है वन स्टूडेंट रिप्रेजेंट ओनली 50 स्टूडेंट्स। ओके नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 9.3। फर्स्ट हम देखिए 9.2 में क्या था राजे सॉरी पिक्टोग्राफ के बारे में गिवन था 9.3 में हमें बार ग्राफ के बारे में गिवन है। ओके द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज यू द अमाउंट ऑफ वीट परचेज बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 1998 to 2002। क्या बोल रहा है कि जो बार ग्राफ गिवन है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है जो वीट परचेज की है गवर्नमेंट ने 1998 से 2002 तक। ओके रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन विच ईयर वॉज कहता आपने ये बार ग्राफ रीड करना है और आपने इस बार ग्राफ से क्या ऑब्जर्व किया है वो हमें बताना है। फर्स्ट में ये पूछ रहा है द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम मीन किस ईयर में जो वीट की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा थी। देखिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ थी हमारा बार ग्राफ सबसे अब कहाँ पर है राजे 2002 में कितनी थी 30 थी। क्लियर 30,000 टन ये ऊपर मेंशन है वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5,000 टन्स। क्लियर तो सबसे ज़्यादा किसमें थी राजे 2002 में आपने ये बुक में ही फिल करनी है और यहाँ राइट कर देना है इन ईयर 2002। नेक्स्ट बोल रहा है इन द वीट प्रोडक्शन मिनिमम मीन सबसे कम किसमें थी राजे देखिए ये वाला जो 1998 वाला ग्राफ है सबसे डाउन है तो हम यहाँ क्या कौन सा ईयर है ये 1998। क्लियर आपने जो 9.3 है राजे बुक में ही फिल करनी है। नेक्स्ट देखिए ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज़ शोइंग दिस सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फॉर मंडे टू सैटरडे क्या कर रहा है ये जो बायोग्राफ है ये सेल ऑफ शर्ट्स बता रहा है एक शॉप की कि उसने मंडे टू सैटरडे कितनी जो शर्ट्स हैं वो सेल की हैं। रजे देखिए वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स। फर्स्ट क्या है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि सॉरी फर्स्ट पार्ट में ये क्या बोल रहा है कि जो बार ग्राफ है ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है मैंने आपको बताया है किसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप शॉप के बारे में बता रहा था ना कि रेडीमेड की शॉप है उसमें कितनी जो शर्ट्स है वो सोल्ड हुए तो हम क्या राइट करेंगे शोज नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड ऑन शॉप। ओके नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शर्ट्स क्या बोल रहा है इसमें कि कितना जो स्केल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में चूज किया गया है तो कितना स्केल यहाँ था राजे 1 इज इक्वल टू 5 शर्ट जो मतलब 1 यूनिट लेंथ है वो कितनी शर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है कितना स्केल यूज किया गया है 5 शर्ट्स। क्लियर नेक्स्ट देखिए ऑन विच डे वॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड क्या बोल रहा है कि कौन से दिन ऑन विच डे वॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड एंड हाउ मनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे के तब किस दिन सबसे ज़्यादा सेल हुई और कितनी हुई तो सबसे बार ग्राफ हाई किस में रजे सैटरडे में है और सैटरडे को कितनी जो सेल हुई है हमारी 60 तो हम क्या राइट करेंगे सैटरडे को हुई है सबसे ज़्यादा सेल और 60 जो
शर्ट्स हैं वो सोल्ड हुई हैं। ऑन विच डे वॉज द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, मिनिमम मीन्स सबसे कम, सबसे कम तो ये रजत ट्यूजडे को ना, तो हम क्या राइट करेंगे, ट्यूजडे। ओके, लास्ट में बोल रहा है हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितनी जो शर्ट्स हैं वो सोल्ड हुई हैं, 35। तो हम क्या राइट करेंगे, 35। ठीक है, ये था जरा जी बार ग्राफ हमें गिवन है, बनाया हुआ है बार ग्राफ और इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन है, हमें कुछ जो आंसर हमसे पूछे गए हैं उनका क्या करना है, रिप्लाई करना है। नेक्स्ट सम थर्ड सम में भी क्या है, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट। इसमें क्या है, एक स्टूडेंट के मार्क्स के बारे में जो है हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है और उस बायोग्राफ को हमें ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट बोल रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बायोग्राफ गिव, इसमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये एक स्टूडेंट के मार्क्स के बारे में बोल रहा है ना, जिसका नेम अजीज है, तो हम राइट करेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन डिफरेंट, आप यहाँ राइट करने ना जाए, ओके, आप फर्स्ट का आंसर यहाँ राइट कर देना, क्लियर, मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कॉर्ड मैक्सिमम मार्क्स, मीन्स कौन से सब्जेक्ट में उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं रजे, सबसे मैक्सिमम मार्क्स किस में है रजे, उसके हिंदी में, हिंदी वाला बार ग्राफ सबसे अप है, तो हम क्या राइट करेंगे, हिंदी, क्लियर। लास्ट देखिए, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही स्कोर द मिनिमम मार्क्स, मीन्स कौन से सब्जेक्ट में उसने सबसे कम मार्क्स स्कोर किए हैं रजे, देखिए सोशल स्टडी वाला सबसे डाउन है, उसने सिर्फ ओनली 40 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, सोशल स्टडीज, क्लियर। दिस वॉज आर एक्सरसाइज 9.3, ओके, टुडे वी हैव डन एक्सरसाइज 9.2, 9.2 में हमें पिक्टोग्राफ के बारे में बताना था और 9.3 में हमें बार ग्राफ के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, हमने उनका आंसर देना था। योर वर्क इज़ टू डू दिस एक्सरसाइज, ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी।